जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने महंगाई पर कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना का संक्रमण रहा है, जिससे बहुत सारे उद्योग धंधे बंद रहे। हालांकि अब वो सुचारू रूप से संचालित हों, इसका प्रयास लगातार सरकार कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने कुछ चीजों के आयात और कुछ चीजों के निर्यात पर भी रोक लगाई है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कोरोना फैलाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि उनके कार्यक्रमों में कोई ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है, लोग अधिक ना जुटें, यही कारण है कि एक जगह कोई आमसभा नहीं की गई। जन आशीर्वाद यात्रा में माधवराव सिंधिया की फोटो उपयोग करने के सवाल पर कहा कि माधवराव सिंधिया भी कभी ना कभी बीजेपी में रहे हैं और उनका पूरा परिवार बीजेपी में है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कोविड में जिस तरह से 1.5 साल में सारी गतिविधियां जो है ना वो प्रभावित हुई हैं, उन प्रतिविधियों को गतिविधियों को भी चलाने का काम सरकार ने किया है। देखिए, माधवराव सिंधिया जी भी हमारे पार्टी के साथ में कभी जुड़े थे, उनका पूरा परिवार जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अम्मा महाराज से लेकर, चाहे वसुंधरा जी हों, चाहे यशोधरा जी हों, चाहे मामी जी हों, ध्यान सिंह तोमर जी हों, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, वो परिवार जो है ना, परिवार पूरा का पूरा हमारी पार्टी के साथ में कभी ना कभी उनका संबंध रहा।